हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। एंड गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं ऑलिम ट्रेड की द बेस्ट स्ट्रैटजी, व्हाट आई फाउंड इन प्रीवियस वीक। फ्रॉम लास्ट वीक मैं एक स्ट्रैटजी पे काम कर रहा था ऑलिम ट्रेड की, एंड द स्ट्रैटजी इज वर्किंग फाइन। और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो फैमिली है टेक्निकल अवी फैमिली, जानी ही इसीलिए जाती है, सिंपलिसिटी, बहुत आसानी से आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाने के लिए ही जाना जाता है चैनल। तो आज की जो वीडियो है स्ट्रैटेजी थोड़ी सी टिपिकल है गाइस, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। इतनी आसानी से समझाऊंगा आप लोग सोचोगे ये तो मैथ्स का सवाल है, 2 + 2 = 4। इतनी आसानी से आप लोगों को समझ आने वाली है ये स्ट्रैटेजी, और बहुत मेहनत से आई है यार, 1 वीक का टाइम लगा है। तो लाइक कर दो यार वीडियो को देखने से पहले। और एक और चीज़ यार, चैनल पे बिल्कुल नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो पहले ही सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में ना बाइनरी और फॉरेक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है, सिर्फ मिलेंगे इसी एक चैनल पे। एंड दूसरी चीज़ यार, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो अभी हो जाओ, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी आप इंटरफेस देख पा रहे हैं ऑलिम ट्रेड का, लॉगिन है मेरे पीसी इंटरफेस में, लाइव अकाउंट में बैलेंस देख पा रहे हैं आप। तो अब चलते हैं डायरेक्टली स्ट्रैटेजी पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 मिनट चार्ट का जो टाइम है, फ्रेम है, वो 1 मिनट सेट कर लेना है। उसके बाद जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर अप्लाई करने, बेसिकली दोनों के बारे में ही मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस बार स्टाइल अलग है बताने की। तो EMA को अप्लाई करना है आपको, EMA पे देखेंगे आप, बाय डिफॉल्ट 10 होगा, इसको आपको कर देना है 15। ओके, आपको यहाँ पे 15 कर देना है। एंड देन उसके बाद आपको जाना है अरुण पे, आपको अरुण अप्लाई कर देना है। तो अरुण आपको अप्लाई कर दिया। देखो बहुत समझने वाली बात है यहाँ पे, मैंने अरुण क्यों अप्लाई किया, क्यों मैंने अरुण को यूज़ किया EMA के साथ, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई करता नहीं है बेसिकली। आपको देखने को बहुत ही कम मिलेंगी कि ऐसा भी होता है, बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलेगा ना, जो वो कहीं और चैनल में नहीं मिलने वाला है। अब गई, सबसे पहले मैं एक करेंसी चेंज कर लेता हूँ, 82% प्रॉफिट वाली कोई करेंसी हो तो वहाँ पे हम चले जाते हैं 82% की प्रॉफिट्स की, प्रॉफिट जो है GBP USD। ओके, तो अब आते हैं हमारी आज की स्ट्रैटेजी पे। तो आज की स्ट्रैटेजी पे खास बात क्या है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा ट्रेड लेने के लिए। सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा कोई एक ट्रेड प्लेस करने के लिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी कमेंट आ रही है कि सर आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क बहुत अच्छी कर रही है। मतलब आपकी हर एक स्ट्रैटेजी हर एक कंडीशंस में अच्छी खासी वर्क करती हैं, लेकिन हमें काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है, तब जाके हम उस स्ट्रैटेजी से जो है अर्न कर पाते हैं, यानी अच्छी ट्रेड ले पाते हैं, प्रॉफिटेबल सिग्नल ले पाते हैं। तो यार उन लोगों को कहना चाहूँगा, देखिए गाइस, सबसे पहले क्या होता है ना, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप ट्रेडिंग में हो तो पेशेंस बढ़ाने हैं। तो पेशेंस बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए, आपको वो तैयार कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं जिसमें आपको थोड़ा पेशेंस लेवल इंक्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि अगर आप वहाँ वो यूज़ करते हो तो आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज होगा। और अब जो स्ट्रैटेजीज आने वाले टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो थोड़ी कम पेशेंस लगेंगे उसमें, लेकिन पेशेंस तो लगेंगे। तो आपको ध्यान रखना है अबाउट पेशेंस, अबाउट ग्रीडीनेस, लालच पर नहीं करना है, लालच में नहीं आना है। अब आप देखेंगे, एक छोटी सी छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अकाउंट का मेरा बैलेंस आप देख पा रहे होंगे $7,708, इवन दो मेरी ट्रेड्स आप देखेंगे $3, $3, $6, $6 की ट्रेड्स मैं लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है हर बार वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहो। आपका जितना भी अमाउंट है ना, उसमें इतना केस रखो आप, मतलब इतना आपके पास होना चाहिए कि आप 10 से 12 मार्टिकल स्टेप्स तक चले जाओ, ठीक है? क्योंकि इतना बुरा किसी का भी दिन नहीं होता कि 10 से 12 ट्रेड्स लगातार हार जाएगा, तुक्के में ही जीत जाएंगे, तो आप यहाँ से कभी लॉस में जाने ही नहीं है उस मार्केट से। यार वो चीज़ें तो बाद की बात है, आज चलो स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी अरुण और EMA अप्लाई कर लिया है। अब इसकी काम क्या है, वर्किंग क्या है, मैं हल्के से आपको समझा देता हूँ, देखिए, और बहुत आसानी से समझाऊंगा, इतने आसानी से समझाऊंगा कि आप लोग डेफिनेटली अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दोगे। देखिए अरुण का पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, लेकिन अगर अरुण को छोड़ो तो EMA को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, जैसे ही ये जो लाइन है येल्लो कलर की, यहाँ से कोई कैंडल क्रॉस करती है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में क्रॉस करे, अपवर्ड डायरेक्शन में करे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करे, अगले 1 मिनट तक
मार्केट उसी डायरेक्शन में रहने वाला है। और ये जो केस है 80% वर्कआउट हो रही है स्ट्रैटेजी, अगर आप 10 में से 8 ट्रेड ले रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। इवन दो अगर आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा इस करेंसी इस यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, आपको ऐसी करेंसीज पे ट्रेड नहीं लेनी है जिसका प्रॉफिट 82 से ज़्यादा हो, माफ़ी चाहूँगा 80 से ज़्यादा हो। यहाँ पे देखेंगे कि मैं अभी VIP अकाउंट में हूँ मेरे, तो यहाँ पे इसलिए मेरे को 90% और 87% 84% तक का भी प्रॉफिट रेशियो मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे 82% पे गया हूँ। आपका नॉर्मल अकाउंट होगा, बेसिक अकाउंट, स्टैंडर्ड अकाउंट, तो वहाँ पे आपको क्या है ना 82 तक का प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा, तो आपको उस करेंसी पे ट्रेड नहीं लेनी है जिसका 82% प्रॉफिट रेशियो हो। क्योंकि आपको पता है यार, काफ़ी टाइम से मैं इस स्ट्रैटेजी के पीछे लगा हुआ था और टेस्ट कर रहा था, तो मुझे लगा, मुझे जो चीज़ें पता लगी वो आपसे शेयर करता हूँ। 82% जो प्रॉफिट है, अगर वैसी करेंसीज पे आप लेते हो जो हायर रेशियो आपको देती हैं प्रॉफिट का, तो वहाँ पे ये स्ट्रेटजी कई बार फेल हो जाती है, लेकिन लोअर आपको जो रेशियो प्रोवाइड करती है 80 हो गया, 75 हो गया, 70 हो गया, तो वहाँ पे अच्छी स्ट्रेटजी वर्कआउट कर रही है, ठीक है। और सिग्नल के लिए आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, मैंने आपको एक बात कही तो वही चीज़ आपको अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही कोई भी डायरेक्शन में, जैसे अब देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल है, इसने ऊपर की डायरेक्शन में गई, मतलब इस येलो लाइन को क्रॉस किया अपवर्ड डायरेक्शन में। सेम टाइम अगर आपने कहाँ ट्रेड प्लेस करनी है, एंट्री पॉइंट कहाँ होना चाहिए आपका, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंट्री पॉइंट आपका होना चाहिए जैसे ही इस येलो कलर की लाइन को टच करता है आपका कैंडल, आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी है, सिंपल सी बात है। तो अगले एक मिनट तक देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा। अब आते हैं रेड कलर की कैंडल पे, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो नेक्स्ट एक मिनट में आपका प्रॉफिट होता, ठीक है। अब देखो यहाँ की बात करते हैं, तो इसने क्रॉस किया नहीं है, अभी थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद आपको ट्रेड ले लेनी है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, देखिए थोड़ा सा ऐसा हाँ यहाँ पे देखो रेड कलर का बना टच किया और नीचे की तरफ आपको प्रॉफिट होता, ठीक है। अगर आप ऊपर की बात करते हैं तो ये वाली कैंडल की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते जैसे इसको टच किया तो भी आपका प्रॉफिट होता, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जो है रेड कलर की बनी है लेकिन छोटी बनी है, तो आप प्रॉफिट में ही जाते। तो आप कितना भी पीछे चले जाओ आपको एज ये वाला सिग्नल प्रॉफिटेबल सिग्नल ही मिलने वाला है। और कोई यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे नीचे गया तो रेड कलर की आप विन कर जाते हैं। आप करेंसी एक्सचेंज करके देखते हैं, अब मैं आपको दूसरी करेंसी पे दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्कआउट करती है। अब देखो ये कोई ये दूसरी करेंसी है, ये हमारी सेम करेंसी अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी इस पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल ने क्रॉस किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मार्केट आपको ग्रीन दिख रहा है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे रेड कलर की कैंडल ने टच कर दिया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली है $1 की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है, $1 की मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है। हालांकि ये जो स्ट्रैटेजी है 8 times वर्क करती है आउट ऑफ 10, ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे वैसे तो, लेकिन 8 times वर्क करती है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप 10 में से कोई 2 trade हार जाते हो विद दिस स्ट्रैटेजी, या स्टार्टिंग की 2 हार जाते हो, तो ये मत समझना कि स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं कर रही है। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, और आपको पता है यार हमारे चैनल पे आ रही है तो अच्छी ही होगी, क्योंकि आपको पता है यार आपका जो भाई है टेक्निकल, अभी तो विदाउट स्ट्रैटेजी और विदाउट चेकिंग आपके तक कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं लेके आता है। पहले बहुत चेकिंग होती है, बहुत टेस्टिंग होती है, रात को बहुत रात तक जगना पड़ता है ऐसे स्ट्रैटजीज़ के लिए, ओवर टाइम करना पड़ता है एक्चुअली, आफ्टर दैट ऐसी कोई स्ट्रैटजी मिलती है। अब बात आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे अरुण इंडिकेटर का क्या काम है, अगर ये स्ट्रैटजी अच्छे से वर्कआउट कर रही है तो अरुण का क्या काम है। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट जो होता है वो टिपिकल पार्ट स्टार्ट होता है, जो थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने के लिए, लेकिन वो भी मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो लास्ट ट्रेड अभी हम विन कर गए, ओके, तो अब देखते हैं, मैं आपको अरुण की चीज़ें समझाता हूँ। देखो जहाँ पे भी अरुण अपने टॉप लेवल पे होगा, ठीक है, अपने मतलब यहाँ अगर मान लो कभी मार्केट कंडीशंस ख़राब हैं, आप ट्रेड हार रहे हो, तो आपको कन्फर्मेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा, तब आपका काम आएगा अरुण। देखो जब अरुण अपने टॉप लेवल यानी 100 पे होगा, तो दैट्स वाई आपको इतना समझ लेना है कि यहाँ से आपको अरुण नीचे ही जाएगा, मतलब आपका यहाँ से ग्राफ जो है यहाँ से नीचे ही जाएगा 2-4 minutes के लिए, जितने भी मिनट के लिए, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। और जैसे ये नीचे टच कर जाएगा यानी इस कंडीशन पे, तो वहाँ से आपको मार्केट ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा, तो ये चीज़ें ना आपको देख लेनी है। मतलब कभी कभार आपको देखने को मतलब ऐसी स्ट्रेटजी आपको नौबत आ सकती है कि आपको देखना पड़ जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे जा रही है, और अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने ट्रेड ले ली है $1 की, हालांकि थोड़ा सा मिस कर दिया क्योंकि इसने अभी तक क्रॉस किया ही नहीं है येल्लो को, इवन दो हमने ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये तो ये हमारी मिस्टेक है इवन दो, देखते हैं कि क्या होता है। प्रोबेबली हमें विन करनी चाहिए ये ट्रेड को, अगर ये थोड़ा सा और क्रॉस कर जाती है येलो कलर की लाइन को देन, लेकिन लगता नहीं कि क्रॉस, ओके ओके गॉट इट, देखते हैं देखते हैं, ओके
तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं 1 मिनट की कैंडल में, इट मीन्स मार्केट जो है अभी अच्छा नहीं चल रहा है। अगर 1 मिनट की कैंडल्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो, इसका मतलब करेंसी स्टेबल नहीं है। बट लेट सी, अभी हमारे पास 24 सेकेंड्स और है एंड ऑलमोस्ट एजेस पे हैं, ऑलमोस्ट एजेस पे हैं। एंड लेट्स सी 17 सेकेंड्स एंड वी हैव 13 सेकेंड्स मोर एंड 11 सेकेंड्स एंड अभी हम एकदम एज पे ही हैं। कुछ ओ हो गॉड यार, बहुत नीचे चला गया है रेड कलर का कैंडल, तो अब तो बनना बहुत ही मुश्किल है। तो देखो, आपने सिंपली बात यह है कि जैसे ही इसको टच कर जाता है और आपको थोड़ा सा ऊपर मिलता है कैंडल, तो आपको प्लेस कर देनी है ट्रेड। ठीक है, हल्का सा अगर आपको ऊपर मिलता है तो आपको ट्रेड प्लेस कर देनी है। अब अगर आप एक ट्रेड यहाँ पे हार जाते हो तो करना क्या है, करेंसी चेंज कर लो भैया, सीधी सी बात है। आप करेंसी चेंज कर लो, बहुत सारी करेंसी मिल जाएंगी आपको जिसमें ये सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको सीधा क्या करना है, सिर्फ करेंसी एक्सचेंज यानी करेंसी चेंज कर लेनी है और कुछ नहीं करना है। और डेक्स देखते हैं कि कोई ऐसी करेंसी मिले जहाँ पे नहीं है, भी फिलहाल इसमें भी कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि हम यहाँ पे भी अभी ट्रेड ले सके, तो हम एक और करेंसी और कोई देखते हैं। ओके, ये अजीब सी करेंसी है NASDAQ, यहाँ पे भी अभी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो अब और कोई स्ट्रेटजी चेक करते हैं, लिखते हैं कि कुछ और सिग्नल मिलता है या नहीं मिलता किसी और करेंसी पे। 78% मिल रहा है इंडेक्स पे, तो इस पे देखते हैं कि क्या सिनेरियो है फिलहाल। नहीं तो गाइज यार, मुझे लगता नहीं अभी काफ़ी टाइम, या वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो की जो चीज़ें थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी वो पहुंच गई होंगी, यानी कि स्ट्रेटजी जो है वो आप समझ गए होंगे डेफिनेटली कि किस तरीके से स्ट्रेटजी वर्कआउट करती है। एंड डेफिनेटली लाइक आपने अभी तक यार वीडियो को कर दिया होगा। कोई डाउट होते हैं रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी तो पहले यूज़ करो, देन आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, एंड आपको रिप्लाई आपको पता ही यार हमेशा मिलता ही है, तो मिलता ही रहेगा। एंड चैनल पे नए हो तो यार भैया सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को यार मुझे पता है आपने लाइक अभी तक कर दिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है किसी कारणवश तो यार अभी कर दो लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक इक्वल्स टू माई मोटिवेशन। तो थैंक यू सो मच यार गाइज, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।